तो बस आज का सीन कुछ ऐसा है यार, दैट वी विल बी विजिटिंग अ कोविड हॉस्पिटल एंड बी गिविंग अवे फ्री मास्क टू पीपल इन नीड। इट वाज जस्ट अनदर ह्यूमिड डे व्हेन वी डिसाइडेड दैट भाई घर पे बैठ के आलू छीलना वाजंट एन ऑप्शन एनीमोर। लॉकडाउन में घर पे बैठ बैठ के भाई दिमाग का पूरा हलवा हो रखा था। बॉस देखो भाई मुझे व्लॉग बनाना था और आइडियाज के नाम पे आई डिड माय बॉयफ्रेंड्स मेकअप, बस यही दिमाग में चल रहा था। कोई मेरे को प्लीज चप्पल सुंघाओ। हम लोगों को कुछ ऐसा आइडिया सोचना था जिससे हम लोग इस लॉकडाउन में वीडियो बना भी सके और पुलिस के डंडे भी ना पड़े। बहुत डिस्कशन के बाद आई कॉल टट्टू भाई एंड मौशिन एंड वी डिसाइडेड दैट वी विल बी विजिटिंग अ हॉस्पिटल टू सी द करंट सिचुएशन एंड हेल्प पीपल फ्रॉम अवर साइड, मतलब जितना भी हमसे हो पाएगा। सो गाइस बिफोर यू गो ऑन विद द व्लॉग, मैं कुछ चीजें पहले ही क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ। दिस वीडियो वॉज मेंट टू बी अ सीरियस व्लॉग, समथिंग विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द जॉनर ऑफ वीडियोस विच आई मेक। कोविड-19 इज नो जोक एंड मुझे ये चीज किसी को बताने की जरूरत नहीं है। पीपल आर डाइंग इन नंबर्स विच आई कांट इवन काउंट इन माई हेड एंड We need to fight back. India needs to fight back. But ये वाला वीडियो आपको डराने के लिए नहीं है। This video isn't going to make you feel paranoid. और मैं कुछ भी ऐसा फलाना ढिमकाना बोलने ही नहीं वाला जो आपको पहले से ना पता हो। Boss, मैं ऐसे videos बनाता ही नहीं हूँ। I feel इस pandemic में people are already suffering from a lot. And bro, जहाँ पर अब बात आती है mental health की, उसका वाट लग गया है। जैसा कि मैंने बोला, this vlog is out of my genre and I have no idea how to act serious. But कुछ भी बोलो, मजा आएगा। अब बहुत लोग ये पूछेंगे कि हॉस्पिटल ही क्यों, भाई कहीं और भी जाके तो व्लॉग बना सकता था। देखो भाई, इस कोविड-19 के सिचुएशन में मेरे को खतरों का खिलाड़ी बनने का शौक चढ़ा है, तो मैंने सोचा है भाई अब सबसे ज्यादा खतरा कहाँ पर है। ऑब्वियसली सी बात है भाई, ऐसी जगह जहाँ पर सबसे ज्यादा कोविड केसेस है, टू बी प्रेसाइज अ हॉस्पिटल। तो बस दिस वॉज जस्ट अनदर नॉर्मल डे व्हेन कोई भी नॉर्मल आदमी अपने घर पे आराम से बैठ के एसी का हवा और आम खाना पसंद करेगा। बट हम नॉर्मल आदमी नहीं थे, हम बस बेवकूफ है। It's not even a couple of minutes. I'm sweating right now. This is so hot. अगर आप लोगों ने इंटरस्टेलर देखा है तो यू गाइज विल रिकॉग्नाइज मी। आई लुक लाइक एस्ट्रोनॉट एंड आई एम गोइंग टू बीट दैट वर्ड एनीवे। तो बस वी वर ऑलरेडी इनसाइड द आर्जीगढ़ मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कैंपस, विच इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इन कोलकाता। जैसे ही हम लोग हॉस्पिटल कैंपस में घुसे, देयर वर प्लेंटी ऑफ पीपल जो मेरे को ताड़ रहे थे बिकॉज ऑफ द वे आई लुक। ऑब्वियसली आई वाज लुकिंग लाइक अ फ्रीकिंग एलियन। इस लॉकडाउन के टाइम में भी इतने पेशेंट्स आए हुए थे एंड मोस्ट ऑफ देम वेयर फॉर कोविड केसेस। अगर आप मुझसे ये पूछोगे ये वाली बात हम लोगों को कैसे पता चली, द हॉस्पिटल स्टाफ टोल्ड अस दैट बट दे रिफ्यूज टू कम ऑन कैमरा। वेल इट वॉज ओके फ्रॉम अस एंड वी रेस्पेक्ट हिज प्राइवेसी। बट जैसे ही हम लोगों ने शूट करना स्टार्ट किया, we were stopped by the hospital security and Kolkata police. They obviously questioned us that what we are doing and for no reason at all, मैंने पता नहीं उनसे क्यों झूठ बोला। I told them that we three are journalism students and we are just making a project on how the current situation right now is. मेरे को at that time बस ये लगा कि अगर हम लोगों को सच बता देते that we are shooting for a YouTube video, हम लोगों को शायद permission नहीं मिलता। उधर के एक hospital staff ने हम लोगों को बताया that it is okay to film but we still need to get some permission from the main office. तो भैया जी ने जैसा बोला, we went to the main office and asked for permission, जो कि आराम से मिल भी गया। हम लोगों को परमिशन मिल तो चुका था लेकिन बस कैंपस के अंदर का, बट वी वरेंट अलाउड टू एंटर द हॉस्पिटल बिल्डिंग। आई वॉज ओके विद इट, क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर जाके रिकॉर्ड करना एंड आस्किंग ऑल दिस क्वेश्चंस वुड बी एन इंसल्ट टू ऑल द फ्रंटलाइन ऑफिसर्स हु आर फाइटिंग फॉर मंथ्स टू सेव लाइव्स एंड रिस्किंग देयर ओन। मेरे को कुछ देर के लिए अफसोस तो हुआ था लेकिन मेरे ब्लॉक के कारण आई कांट डिसरेस्पेक्ट देम इन एनी वे। वी हैव ऑलमोस्ट मोर देन 500 मार्क्स एंड ये आज हम लोग बांटने वाले हैं। तो बस हम लोगों ने बोल तो दिया दैट हम लोग इधर 500 मार्क्स बांटने वाले हैं, लेकिन भाई मजाक है क्या 500 लोगों को ढूंढना। मुद्दा कुछ ऐसा था यार दैट हम लोग इधर दो काम से आए थे। एक काम तो ये था कि हमें मार्क्स बांटना था और दूसरा ये कि वी वांटेड टू टेक इंटरव्यूज ऑफ रैंडम पीपल रिगार्डिंग द करंट सिचुएशन। सीधी भाषा में बताओ तो हमें पत्रकार बनने का शौक चढ़ा था। मैंने पूरी रात गोलू को जगा के उससे एक क्वेश्चन पेपर तैयार करवाया था। मेरे को लगा था कि ऐसे ये केवीसी खेलने में मजा आएगा, लेकिन भाई अब हम अमिताभ बच्चन तो नहीं है कि लोग खुश होकर हमारे सारे सवालों का जवाब दे देंगे। 20-25 लोगों ने तो हमें मुंह पे मना कर दिया। बस 15 मिनट के अंदर हम लोगों को पता चल गया कि जर्नलिस्ट बनना हमारी औकात के काफी बाहर है। बस ये सोच रहा हूँ घर जाना है, मेरे को घर जाना है। बस गाइस लिटरली हम लोग जब हॉस्पिटल में आए थे वी हैड लाइक 500 मार्क्स और ये दोनों, और मेरे को दुनिया में बहुत लोग बोला था कि भाई 500 मार्क्स बांटने में हम लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। 500 मार्क्स बांटने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा एंड लेकिन बॉस मैंने जैसे ही पैकेज खोला बहुत जल्दी मार्क्स बांट रहा है एंड वी हैव सम पीपल वी बी आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम देम बिकॉज ऑब्वियसली अगर हॉस्पिटल आए वी नीड टू नो अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन। जो टाइम था ना प्लीज डू कम, हमारा कुछ क्वेश्चंस करो। ओके 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 थैंक यू। तो बस अभी का सीन कुछ ऐसा है यार दैट मार्क्स देने के बहाने हमने कुछ लोगों को पकड़ा, उनसे सवाल जवाब करने की कोशिश की, लेकिन बॉस ये हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। पहले अपना नाम बता दीजिए। ओके, तो कोविड-19 के सिचुएशन को लेकर जो सेकंड वेव आया है उसके ऊपर थोड़ा बहुत सवाल करेंगे, ठीक है? यू जस्ट आपको जो मन में आया जो आपको लगता है कि इसका आंसर ये होना चाहिए वही दीजिए, है ना?
ये जो कोविड का परिस्थिति चल रहा है, जो ये महामारी चल रहा है, इसमें आप लोगों का डेली लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहा है? डेली लाइफ में तो प्रॉब्लम आ ही रहा है, जैसे माफ करना भाई, लेकिन इतना बड़ा इंटरव्यू डाल देंगे तो ये वीडियो 70 साल में खत्म होगा। बेसिकली ऑल ही वांटेड टू से दैट ही इज एसोसिएटेड विद द स्कूल एज एन एक्स्ट्रा करिकुलर फैकल्टी एंड इस पैंडेमिक में स्कूल बंद होने के चक्कर में भाई बच्चे कांट टेक पार्ट इन एनी आउटडोर एक्टिविटीज। हम लोगों ने ऐसे ही और 3-4 लोगों से इस तरीके के 50 सवाल किए एंड देन वी रियलाइज समथिंग। लाइक आई सेड, आई एम नॉट अ सीरियस पर्सन एंड इस टाइप के व्लॉग्स बनाना काफी अजीब हो जाता है। इस लॉकडाउन में कोई भी वीडियो बनाना मुश्किल है, वो चाहे कैसा भी हो। एंड ऑब्वियसली वी अंडरस्टैंड दैट वी आर नो सोशल एक्टिविस्ट and हम लोग कुछ बोलने से किसी को घंटा फर्क पड़ेगा। Why are you being so touchy? Tell me what. I'm not being touchy, bro. I'm not being touchy. I'm trying to help out people with the thing By I can. By touching them. I'm not touching them, okay? हॉस्पिटल में जितना भीड़ नहीं है उससे ज्यादा मेरे सामने भीड़ है। एट दैट टाइम हम लोगों को बस जल्दी से मार्क्स बांटना था और जल्दी घर भागना था। बट अगेन भाई, हमारे पास 500 मार्क्स थे, कहाँ इतना जल्दी ये दिन खत्म होने वाला था। एक चीज मैं जरूर बोलूंगा, जब हमने ये वीडियो बनाना शुरू किया था किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता था, बट थोड़ी ही देर में आई वॉज सराउंडेड बाई एन ओशन ऑफ पीपल। मेरे को पूरा एक गोलगप्पे वाला जैसा फीलिंग आ रहा था भाई, सबको ही घेर के बैठे थे एंड मैं एक एक करके सबको मार्क्स बांट रहा था। सब्जेक्ट तो मूसा पा घुसा। थैंक यू बाबा, आलो को तो बस ऑलमोस्ट दोपहर के 1 बज गए थे एंड गर्मी में सर फट के बाहर आ गया था। सही बताऊं तो लग रहा था कि इस पीपी किट में मैं पिघल जाऊंगा। मेरा सैल्यूट है उन वॉरियर्स को जो इस गर्मी में भी पूरा पूरा दिन भाई पीपी किट पहन के लोगों की जान बचाने के लिए खुद की जान लगा देते हैं। लेकिन बॉस, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं बेकार लड़का हूं। मेरे को बस ये पीपी किट पहन के अपना थंबनेल का फोटो खिंचाना था, जो मैंने खिंचा लिया। अचानक से लग रहा है भाई जन्नत में आ गया। तो बस हमारे कपड़े उतर चुके थे और जिंदगी में सही बताऊं तो इतना मजा मेरे को कभी नहीं आया। लेकिन बस अभी भी 300 के ऊपर मार्क्स देना बाकी था एंड दैट्स द रीजन वी वेंट बैक टू द ओपीडी एरिया अपना कार्यक्रम चालू रखने। ओपीडी के सामने लोग बहुत ज्यादा सीरियस होकर बैठे हुए थे, इसलिए उनको मैंने अपना एक मस्त डांस दिखाया। आई थॉट आई कुड बी अ चीयर लीडर बट आई वाज रॉन्ग। वाज आई रॉन्ग? या ऑब्वियसली यू आर। तो बस अगर आप लोगों को लगता है यार कि भाई लॉकडाउन में भी वी आर डूइंग अ गुड जॉब, जो सब्सक्राइब टू द चैनल। देखो भाई, दोपहर हो चुकी थी और मैं अपना मस्त दुकान लगा के बैठा हुआ था। इट वॉज अराउंड 2 PM जब मेरे को टट्टू भाई अचानक से बोलता है कि भाई मेरे को घर जाना है, जरूरी काम है। सुन के मेरा दिमाग गर्म हो गया, मैंने पूछा भाई क्या मजाक कर रहा है, फिर पता चला साले को अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना है। लेट मी इंट्रोड्यूस यू गाइस टू बोनी, बोनी मीट माउशिन, माउशिन मीट बोनी, बोनी मीट तारोकेश्वर, तारोकेश्वर मीट बोनी। तो बस हम लोग हॉस्पिटल से निकल चुके थे, ऑलमोस्ट 400 मार्क्स बांट चुके थे एंड मैं डिहाइड्रेट होके खत्म हो चुका था। जैसा कि मैंने बोला, लॉकडाउन में लोगों की हालत बहुत खराब हो चुकी है। घर पे बैठ बैठ के भाई मेरा पूरा फिजिकल स्ट्रेंथ ना खत्म हो चुका था। चलो कोई नहीं, फिजिकल स्ट्रेंथ तो तब भी वापस आ जाएगा, लेकिन वॉट अबाउट ऑल ऑफ आवर मेंटल हेल्थ? तबीयत खराब हो जाती है तो भाई सबको चिंता होने लग जाती है, लेकिन वो जो दिमाग में स्ट्रेस गिर रहा है उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पता है कि आजकल जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ ना, आई ट्राई टू मेक इट फॉर अ रीजन। हॉस्पिटल इज प्रॉब्ली द प्लेस अभी कोई भी जाना नहीं चाहता एंड ट्रस्ट मी गाइस, कितने लोगों ने मेरे को मना किया था ये वाला व्लॉग शूट करने, बट मैं किसका सुनने वाला था। आई जस्ट नीड अ रीजन टू मेक अ वीडियो और इससे अगर मुझे कोई खतरा भी हो तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने ये सोच लिया था कि ये वाला व्लॉग शूट करने के बाद मैं 14 दिन का एक क्वारंटाइन ले लूंगा, जिससे अगर मैं इफेक्टेड भी हूँ तो आई won't be spreading the virus to anyone. बहुत लोग बोलेंगे भाई क्या फायदा होगा सबको एक एक मास्क बांट के। सही बताऊं तो कुछ नहीं, बट फिर भी मेरे को लगा कि मेरे को करना चाहिए। मेरे को बस लगा हॉस्पिटल जाना एंड मेकिंग अ व्लॉग इन अ फन वे वुड बी अ गुड आइडिया टू एंटरटेन पीपल इन दिस पैंडेमिक। सोचा सबका थोड़ा स्ट्रेस कम होगा, बस यही रीजन है व्लॉग बनाने का। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस व्लॉग वीडियोस एंड कंटेंट, मेरे को आज एक चीज रियलाइज हुई, दैट बीइंग अ डॉक्टर इजंट एन इजी जॉब। मैं बस आज एक दिन थोड़ा बहुत काम करने के चक्कर में डिहाइड्रेट हो गया। आई वंडर हाउ टफ इट इज फॉर डॉक्टर्स एंड ऑल द फ्रंटलाइन वॉरियर्स जो 24 घंटे हफ्ते में 7 दिन अपनी ड्यूटी करते हैं जस्ट टू सेव अवर लाइफ्स। डॉक्टर्स भगवान का दूसरा रूप होते, ये बस सुना था लेकिन आज देख भी लिया। आई वुड लाइक टू थैंक माई सून टू बी डॉक्टर फ्रेंड एशना। ब्रो तेरे बिना ये व्लॉग पॉसिबल नहीं था। मेरे सांस फूल रही है भाई, ये बांटेंगे घर जाएंगे बस। ओ नहीं नहीं, एक मिनट, समझ जा बस, घर पे मिलते हैं।